ये जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि मैं नक्सलवादी हूँ, इसकी क्या सच्चाई है? आखिर ये जानना ज़रूरी है। तो पिछले 2.5 साल में, ख़ास तौर पे बनारस में, जब मैंने BHU में पढ़ाया विजिटिंग फैकल्टी के रूप में, तो जिस तरह के काम किए उसमें करीब 50-55 बच्चों को, जो आसपास के गांव में रहते हैं, उनमें से कुछ लड़कियों ने जो स्कूल छोड़ दिया था उनको वापस स्कूल में उनका दाखिला कराया गया, उनकी फीस वगैरह हम लोग वहन कर रहे हैं आश्रम संस्था की तरफ से। बगल में दो गांव हैं, छित्तूपुर और सिसवाही, जिसमें दो मुसहर बस्तियां हैं, जिनकी समस्या ये थी कि चारों तरफ से जो लोग पक्के घर अपने बना रहे थे तो वो अंदर बंद हो गए थे। एक में तो बहुत पतला सा रास्ता है जिसमें कि एक अर्थी भी आप सीधी नहीं ले जा सकते, उसको टेढ़ा करके ले जाना पड़ेगा, और दूसरे गांव में तो जब आखिरी घर बन जाता तो वो अंदर एकदम बंद हो जाते। तो जिला प्रशासन से बात करके उनके लिए सुसवाही गांव में रास्ता खुलवाया गया, जिनके पास अपने घर नहीं हैं उनको घर दिलाने की कोशिश हो रही है, वहाँ कोई शौचालय नहीं है, वो एक सीढ़ी लगा के और बाउंड्री पार करके जाते हैं कहीं शौच करने के लिए। तो अभी पिछले ही हफ्ते ADM और BDO महोदय ने वहाँ जाके और पूरा सर्वेक्षण किया है, और उनको उनके लिए घर और शौचालय की व्यवस्था हो रही है। एक बेघर महिला जो लंका में सड़क पे अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी, उसको IIT के दो विद्यार्थियों नीरज ढेलरिया और राहुल खुराना ने अपना पैसा खर्च करके उसको एक कमरा दिलाया। अब वो उसके पास एक कमरा है, अपनी बेटी के साथ रहती है, उसके बेटे तो अभी फिलहाल नहीं रहते हैं साथ में, छोटे बच्चे हैं, बच्ची का नाम एक स्कूल में लिखाया गया है, हालांकि वो जा नहीं रही है। बाद में इस महिला को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से 50,000 रुपये की सहायता भी मिली, जो उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट किया गया है, और वो कार्डबोर्ड बेच के अपना खर्चा चलाती है। एक महिला छेतुपुर गांव में बहुत बीमार, कमज़ोर, विकलांग हम लोगों को मिली, उसके खाने पीने का प्रबंध, उसके इलाज का प्रबंध किया गया। BHU के छात्र शुभम जलान, शुभम सोनी और IIT के निदेशक प्रोफेसर राजीव संगल की लड़की शिफाली संगल, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, इन लोगों ने मिलकर उस महिला की मदद की। एक BHU के छात्र जिनको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगता था 7,000 रुपये का हर एक हफ्ते, उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से 1 लाख रुपए की सहायता दिलाई गई। एक दर्जी जिसके पैर में कुछ हो गया था, जिसका ऑपरेशन होना था, जिसके बाद ही वो अपनी सिलाई की मशीन चला सकता था, उसको भी मुख्यमंत्री कार्यालय से 31,000 रुपये की सहायता मिली, और आज वो अपना काम कर रहा है। पुराने कपड़े इकट्ठे करके आसपास के गांव की लड़कियों के लिए कम कीमत के सैनिटरी नैपकिन्स बनाने का काम लगभग शुरू हो रहा है, उसकी तैयारी है पूरी। तो इस तरह के काम वहाँ के छात्र छात्राएं करते थे। और कुछ ऐसे मुद्दे जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे कोका कोला का जो कारखाना है मेहंदीगंज में, उसकी वजह से जो भूगर्भ जल स्तर में गिरावट हुई है, उसको लेके एक बार एक साइकिल मार्च निकाला गया BHU से कोका कोला कारखाने तक, और दूसरी बार एक पैदल मार्च निकाला गया। भू अधिग्रहण कानून में जो भाजपा की सरकार संशोधन करना चाह रही थी, जो किसान हित के खिलाफ था, उसको लेके BHU से और काशी विद्यापीठ तक छात्रों का एक मार्च निकला आचार्य नरेंद्र देव की स्मृति में। आचार्य नरेंद्र देव जो BHU और लखनऊ यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर रहे हैं, उनके नाम पर एक चर्चा फिल्म समूह श्रृंखला का आयोजन IIT में होता है। हर एक हफ्ते किसी का व्याख्यान होता है, किसी का कोई फिल्म दिखाई जाती है। पी साईनाथ की किसानों की आत्महत्या पे फिल्म दिखाई गई, सुभाष गताड़े जी का व्याख्यान हुआ, तो इस तरह के कार्यक्रम लिए जाते रहे हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दों पे छात्रों की समझ, उनकी संवेदनशीलता बढ़ाने का काम हो रहा था, और मेरे इसी काम को कहा जा रहा है कि ये राजनीतिक काम है, ये नक्सल नक्सलवाद से जुड़ा हुआ है, और ये तो लोगों को समझना है कि ये जो काम है
जिसमें लंका पे जो ठेले ठेला लगा के अपना रोजगार करते हैं, गुमटी व्यवसायी कल्याण समिति, उनके अधिकारों का संघर्ष, या गंगा से 200 मीटर की दूरी के अंदर रहने वाले लोग जिनको वाराणसी विकास प्राधिकरण ने उनके घर गिराने की नोटिस दे दी है, उनके अधिकारों की लड़ाई, इसको अगर वो नक्सलवादी काम मानते हैं तब तो ये आरोप लगाने वाले की समझ पे ही सवाल उठता है।